आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने आईटी यूनिवर्सिटी ईस्ट कैंपस के उद्घाटन को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल पर जमकर हमला बोला। आतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज आईटी यूनिवर्सिटी के कैंपस के उद्घाटन में एलजी विजय कुमार सक्सेना अपने गुंडों को लेकर आए थे। मैं एलजी से पूछना चाहती हूं कि जो ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसका काम चुनी गई सरकार ने कराया, उसका उद्घाटन करने आप क्यों पहुंच गए? साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि आतिशी ने आगे कहा कि एलजी ने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों पर दबाव बनाया और कहा कि अगर मुझे उद्घाटन में नहीं बुलाया गया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। क्या एलजी को पता नहीं है कि शिक्षा राज्य का विषय है? एलजी क्यों हर जगह फोटो खिंचवाने चले जाते हैं? एलजी ये दिखाना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी उनके प्रधानमंत्री ने बनवाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि एलजी मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी को बनाने में क्या रति भर योगदान उनका या उनके प्रधानमंत्री का है, जिसकी फोटो उन्होंने जबरदस्ती स्टेज पर लगवाई। एलजी ने आज प्रधानमंत्री का पर्दाफाश कर दिया है और पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि उनके पास अपनी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां वे अपनी फोटो लगवा सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।